YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश सरकार देश की सबसे अच्छी खेल पॉलिसी बनाएगी और इसके लिए सरकार ने प्रयास करना भी शुरू कर दिए हैं। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि खेलों के लिए सरकार ने अलग से फंड का प्रावधान भी किया है। साथ ही आपको बता दें, खेल मंत्री शनिवार को हमीरपुर में शुरू हुए सांसद स्टार खेल महाकुंभ के उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कोचों की भर्ती करेगी ताकि प्रदेश में अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सके। हमीरपुर कॉलेज में जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और बस अड्डे को भी जल्द से जल्द पीपीपी मोड के तहत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हमीरपुर जिला और संसदीय क्षेत्र का जो विकास शुरू हुआ है उसे जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार भी जारी रखेगी और विकास में धन की कोई कमी नहीं आएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि खिलाड़ियों को कोर्ट में क्लर्क नहीं बल्कि कोच की नौकरी मिले ताकि प्रदेश में बेहतर खिलाड़ी तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार खेल विभाग में 10-10 वर्षों से डटे निष्क्रिय अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों को तवज्जो दे ताकि बेहतर खिलाड़ी आगे आ सके। और सांसद ने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में 70 क्रिकेट अकादमियां खोली जाएंगी।